कोई भी तोड़फोड़ की चीजों से सख्त नफरत करता हूं, लेकिन आजकल करप्शन इतना बढ़ गया है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग कभी इस चीज पे विश्वास करें, कोई तोड़फोड़ की चीजों पे। लेकिन करप्शन को मिटाने का एक और तरीका है, और मैं चाहूंगा कि वो तरीका आप लोग गब्बर में देखें। और अब मैं नहीं चाहता कि इस करप्शन को हमने फांसी के तख्ते पर टांग दिया है, इसकी आत्मा भी यहां घूमे नहीं, हम इसको बेहतर यही रहेगा कि चला भी देते। क्या कहते हो? Thank you.
ही चयन करता है कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर, कौन एक्टर और कैसा म्यूजिक होगा और कैसा शो होगा जो आज यहाँ शो देख रहे हैं। अजीत साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन। मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि हम अक्सर अलग अलग मल्टीप्लेक्सेस में अपनी ये सब चीजें करते हैं, तो आज मुझे यहाँ से ये जो हम जर्नी शुरू कर रहे हैं इसका एक खास मजा है, वो मजा मुझे अभी से महसूस हो रहा है। सो आई थिंक दैट्स वन ग्रेट थिंग दैट वी आर बिगिनिंग हियर। हम लोगों के स्टूडियो के लिए ये 64वीं फिल्म है, 64th। 5 साल पहले हम लोगों ने जब स्टूडियो शुरू किया था तनु वेड्स मनु जैसी एक छोटी सी फिल्म से शुरुआत की थी, और आज ये सफर भाग बिलखा, स्पेशल 26, ओ माई गॉड और तरह तरह की इन सब फिल्मों के साथ गुजर के गब्बर में पहुंच गया है। तो स्टूडियो मैं ये मानूंगा कि अपने आप में एक इसकी जर्नी अब एक काफी बड़ी जर्नी बन गई है, जो आज हम इतनी बड़ी फिल्म की बात कर रहे हैं। इसका जो मार्केटिंग हुआ है इसमें 1 मिलियन टच पॉइंट्स, ट्रेलर देखने से पहले ही 1 मिलियन टच पॉइंट्स पर इस फिल्म का जो प्रमोशन है वो जा चुका है। एंड आई होप कि आप लोगों ने एटलीस्ट उन मिलियन टच पॉइंट्स में से कुछ टच पॉइंट्स अवश्य देखे होंगे। नाउ लास्ट टाइम जब हम लोगों ने संजय के साथ पार्टनरशिप की थी तो मैंने अपना यही लकी जैकेट पहना था और फिल्म बनी थी मेरी कॉम। सो आज इतनी गर्मी के बावजूद मैंने कहा यही लकी जैकेट दोबारा पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी फिल्म है ये वाईकॉम 18 के इस साल की स्लेट में। संजय अनफॉर्चुनेटली मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, शायद आ रहे हैं, अटक गए होंगे, बट आई एम मिसिंग हिम रियली हियर। बट व्हाट आई विल डू इज आई विल इनवाइट आवर को प्रोड्यूसर शबीना टू जॉइन मी हियर। Sanjay won't be able to make it today. He's stuck at the Bajirao shoot and he's thanked all of you all for being here today. Gabbar has been mine and Sanjay's second film after Rowdy Rathod and it's been a great experience. And I would like to thank the Viacom marketing team for doing a fabulous job where the promotions of Gabbar are concerned. And now I'd like to call Shruti on stage to say a few words. Good evening, everyone. Sabko namaskar. It's such a pleasure to be a part of this film. And it is my absolute pleasure to show you for the first time the trailer of this film, Gabbar. Okay, chaliye aaiye dekhte hain. Uske baad photo, yeah, yeah, photo. Itne aadmi the. Itne aadmi the. अच्छा हाँ, स्टू सुपर फीवर 104 एफएम के तमाम लिस्टर पीछे है खड़े हुए हैं वहां पर, और आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले फीवर 104 एफएम ये प्रोमो पहुंचा रहा है दुनिया तक। अक्षय कुमार इस समय हमारे साथ में, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, कम ऑन। अक्षय, गब्बर ये नाम ही क्यों चुना आपने, क्या सोचा कि यार गब्बर नाम? वैसे ये गब्बर नाम पूरा भारत देश जानता है कि गब्बर एक सबसे बड़ा विलन है, और उस फिल्म के अंदर जैसे गब्बर जो जो काम करता था अच्छे लोगों को मारता था, लेकिन इस फिल्म के अंदर हमने वैसे ही रखा है, मारना ही रखा है, लेकिन बुरे लोगों को मारना, क्योंकि उस फिल्म के अंदर खामखाम ठाकुर के हाथ काट दिए थे जी। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो है गब्बर हम दिखाना ये चाहते हैं कि सोच वही है लेकिन जिन लोगों को मारना चाहिए वो अलग है। क्या बात है, अधिकतर ऐसा देखा आपने बोला कि PWD पावर वाला डंडा, क्या बात है, आप किसको देना चाहेंगे पूरे सोसाइटी में, पूरे जितना यहाँ पर करप्शन हो रहा है? फिलहाल तो मैंने यही सोचा था कि क्योंकि जब मेरी एंट्री से पहले आप बात करना शुरू करे मुझे लगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ पांडे साहब, आप माइक छोड़ते नहीं है, तो मुझे लगा कि कहीं आपको ही ना देना पड़े पहले। तो खैर पांडे साहब आपने बहुत जल्दी माइक छोड़ दिया और जल्दी से बुला लिया कि आपके साथ इतने सारे इंटरव्यू किए हैं मैंने। खैर लेकिन किसको पावर वाला डंडा देना चाहूंगा, एक हो तो बताएं, बहुत है अनेक इस देश के अंदर काफी लोग हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने जाएंगे तो भैया मेरी नौकरी चली जाएगी। और जो जो भी काम करना है चुप चुप करके करते रहेंगे ऐसा। हाँ अंधारे साहब, अजीत साहब आपने तो खैर इनको काम पे लगा दिया, गब्बर बन जाओ और तोड़ो फोड़ो, आपके पास अगर PWD हो पावर वाला डंडा तो किसको इसको लगाना चाहेंगे?
आज आप बहुत ही मतलब संजीदा मूड में नजर आ रहे हैं मुझे, आप अपने नॉर्मल मूड में लौट जाइए, नहीं तो आप हम सबको डंडे पड़वा देंगे। नहीं देखिए, वो लोग पूछे उसके पहले मैं पूछ रहा हूँ आपको। देखिए क्या है कि इस तरह का जो करप्शन का जो कैंसर जब इतना फैल जाता है तो सोसाइटी को एक आउटलेट चाहिए होता है, तो आई थिंक इसमें जो एक किरदार है गब्बर का, जैसे अक्षय ने बताया कि उसको इस तरह से यूज किया है कि अगर एक सोसाइटी पूरी तरह से फेड अप हो करप्शन से तो उसका एक ऐसा भी नायाब रिएक्शन आ सकता है। तो सब्सटेंस है फिल्म में, लेकिन बहुत ही यूनिक और एंटरटेनिंग तरीके से वो मैसेज दिया गया है जैसे अक्षय अपनी टिपिकल स्टाइल में करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंटरटेनमेंट एज वेल एज सब्सटेंस। शबीना, ये कहानी बहुत कमाल लगी है, जब मैंने पहली बार गब्बर सुना मेरे को कमाल यार, और आपने सेम टू सेम मतलब जो जो चीज़ें थी उसको बिगाड़ा नहीं, लेकिन अलग अंदाज